अरे अरे रघु, ये कैसे पैकेट्स बनाए तूने? ठीक से पैकेट्स बनाओ। और हाँ, रितु बहू कहाँ है, उनको बुलाओ जरा। रितु, ये लो बहू, 5 लाख रुपए का चेक। ये 5 लाख रुपए का चेक और ये पैकेट्स लेके तुम्हें अभी जाना है बीकानेर। वहां पे एक वृद्धाश्रम है ना, वहां जाकर डोनेट करना है। सालों से ये काम मैं करती आई हूँ, पर अब तुम आ गई हो इस घर की बड़ी बहू, तो अब से ये काम तुम्हारा। ठीक है रितु बेटा, तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? क्यों नहीं पहना मंगलसूत्र? ऐसे कैसे भूल गई बेटा तुम? हाँ मैं समझ सकती हूँ कि शादी से पहले तुम्हारे तौर तरीके अलग थे गोयल परिवार से, पर बेटा अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो, तो और बड़ी बहू भी हो। तुमको ऐसी लापरवाही करने की कोई छूट नहीं है। तुम समझ सकती हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? चलो अब तुम निकलो, ये सब लेकर लेट हो रहा है। ये गाड़ी में रख देना रघु, ठीक है? बाय बेटा, बाय। अब ये लड़का कहाँ है पूछती हूँ। निहार बेटा कहाँ हो, कब तक घर आओगे? नहीं, बिल्कुल कोई बहाना नहीं चलेगा, लेट तो बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हारे पापा ने स्ट्रिक्टली बोला है कि मुझे तुम्हारे साथ गोयनका फैमिली के यहाँ जाना है, तो तुम जल्दी से आ जाओ। नहीं, मैं तुम्हारे झूठ में साथ नहीं देने वाली, कोई भी गलती अब नहीं छुपाने वाली। वैसे भी तुम्हारे पापा को लगता है कि मेरे लाड़ प्यार ने तुमको खराब करके रखा है। चलो तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ठीक है? ये लड़का भी ना।